नोटबंदी को लेकर संसद में संग्राम मचा है। 13 दिनों से संसद ठप है और इसको लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सरकार और विपक्ष दोनों को जमकर फटकार लगाई है। बुधवार को जब शून्यकाल के दौरान दोपहर 12:45 पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो लाल कृष्ण आडवाणी भड़क गए। उन्हें यह कहते सुना गया कि लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ही नहीं चाहते कि सदन चले, यहाँ तक कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि सदन में कामकाज हो। ऐसे में संसद को अनिश्चितकाल के लिए टाला तो नहीं जा सकता। लाल कृष्ण आडवाणी के इस तरह से नाराज होने से वहाँ मौजूद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के हाथ पांव फूल गए। वह लगभग दौड़ते हुए आडवाणी के पास पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की। इस पर आडवाणी ने कहा कि वह बाहर सार्वजनिक रूप से यह बात कहेंगे। हालांकि बाद में संसदीय कार्य राज्य मंत्री एसएस आहलूवालिया उन्हें मनाकर सदन के बाहर ले गए। वहीं आडवाणी की फटकार पर अनंत कुमार लीपापोती करते नजर आए। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा अध्यक्ष का पूरा सम्मान करते हैं, वह दरअसल विपक्ष के रवैये के कारण सदन नहीं चलने से नाराज हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी संसद न चलने से काफी परेशान हैं और हो भी क्यों ना। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा हफ्ता चल रहा है लेकिन अभी तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब सदन की कार्यवाही सही तरीके से चली हो। नोटबंदी को लेकर विपक्ष अपने तेवर पर अड़ा है और सरकार गतिरोध खत्म नहीं करवा पा रही है। इस स्थिति में पार्टी के बड़े नेता का ऐसा बयान आना सरकार की किरकिरी करता है। देखते रहिए डीबी लाइव।